छाता नगर में ढोल नगाड़ों के साथ बिहारी जी मंदिर, हनुमान बगीची, चतुर्भुज मंदिर, मुकुंद जी मंदिर व हरिनाथिया थोक में चौपाई मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और होली के गीतों पर नगर के युवाओं, महिलाओं व पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिगंबर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि होली पर्व के उत्सव पर ब्रज की जो संस्कृति है, गायन वादन और नृत्य, इनका समागम का जो मेला है छाता छत्रवन धाम के अंदर में चौपाई मेले के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रज के प्राचीन संस्कृति के अनुसार होली होती है और ये हमारी संस्कृति को निरंतर आगे ले जाने के लिए हमारे ब्रज की जो पहचान है उसका एक दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के समय व पुरातन समय से ही ब्रज की पहचान रही है। वही दूसरी ओर पूर्व चेयरमैन जगपाल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान। इन दोनों समुदायों के त्योहारों के नाम पर मिलन लगा हुआ है। मुसलमानों के त्यौहार ईद मिलन होता है, हिंदुओं का केवल होली त्यौहार ऐसा है जिसके पीछे मिलन लगा हुआ है, जिसमें होली मिलन समारोह होते हैं। देखिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। ये होली के बाद ये जो चौपाई निकलती है, क्या महत्व है इनका, क्या कारण है? ये होली पर्व के उत्सव पर और जो ब्रज की संस्कृति है, गायन वादन और नृत्य, इनका समागम का जो मेला है वो हमारे ब्रज में यहाँ पे और छाता छत्रवन धाम के अंदर में चौपाई मेले के नाम से इसको जाना जाता है, और जिसमें ब्रज की प्राचीन संस्कृति के अनुसार होली होती है और ये हमारी संस्कृति को निरंतर आगे ले जाने के लिए हमारे ब्रज की जो पहचान है उसका एक दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के समय से, पुरातन समय से ही इस प्रकार की पहचान ब्रज की संस्कृति की रही है और आज छत्रवन धाम में लगातार होली के बाद ये चौथा पांचवा दिन है। आज पांचे के दिन ही मुकुंद माधव के इस पावन मंदिर पर प्रत्येक वर्ष ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे चौपाई मेले का आयोजन होता है, जिसमें सूरज कुंड पर जिसमें जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं और सभी यार दोस्तों ने यहाँ पर मिलकर के एक दूसरे को गुलाल लगा करके स्वागत करके होली का उत्सव मनाया है और इस चौपाई मेले के माध्यम से गायन वादन और नृत्य के द्वारा पूरा ब्रज का आभा मंडल आज सराबोर है और सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। यही इसका महत्व है। चैनल साहब बताइए, होली के उपलक्ष्य में चौपाई निकलती है, किस वजह से निकलती है और क्या महत्व है इनका? देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत में दो समुदाय हैं जो बहुतायत में रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, और उन दोनों में एक एक त्यौहार के नाम के पीछे मिलन लगा हुआ है। मुसलमानों का जो त्यौहार होता है वो ईद मिलन होता है और हिंदुओं का केवल होली त्यौहार ऐसा जिसके नाम के पीछे मिलन लगा हुआ, होली मिलन समारोह होते हैं। ये परंपरा बुजुर्गों ने डाली है और सैकड़ों और हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी होली का त्यौहार होता है आपस में भाईचारे के सब लोग, जो पूरी साल आपस में किन्हीं कारणों से लेकर के कोई अगर मनमुटाव या भेदभाव होता है तो उन सब बातों को ख़त्म करते हुए ये तय किया जाता है कि भाई अब तक जो होली वो सो होली, लेकिन आज हम सब मिल रहे हैं और मिलन का मतलब ये है कि सारी भेदभाव और पिछली बातों को मिटा के हम सब आपस में भाईचारे को कायम करें और भाईचारा कायम रहेगा तो देश कायम रहेगा, परंपराएं कायम रहेंगी। इसी परंपरा के तहत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से पूरे नगर में पिछले 5 दिन से ये होली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये चौपाई ऐतिहासिक जो घटनाएं रही हैं उनको यहाँ गायन करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने में इस देश की व्यवस्थाएं ऐसी चली हैं, आप लोग भी जो नई पीढ़ियां हैं उनको ये संदेश दिया जाता है कि आप लोग भी इन्हीं परंपराओं के तहत आगे चलते रहें, इसलिए इन परंपराओं को निभाने का काम होता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं, सभी समुदायों की, जाट हों, ठाकुर समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, अन्य समाजों के लोग हों, सब लोग आपस में मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, गायन करते हैं और खुशी मनाते हैं।